चलो अब देखो यहाँ ध्यान से, पहला वर्ड है एक्सटिंक्ट, EXTINCT, इसे पढ़ते हैं एक्सटिंक्ट, और इसका मतलब होता है विलुप्त हो जाना। विलुप्त हो जाना मतलब पूरी तरह से खत्म हो जाना। जैसे कई आप देखो कई जानवरों की प्रजाति क्या हो चुकी है, विलुप्त हो चुकी है, एक्सटिंक्ट हो चुकी है। काय वजह से, किस वजह से एक्सटिंक्ट हो चुकी है? हंटिंग की वजह से, शिकार के वजह से। इसीलिए गवर्नमेंट ने क्या किया है, कई प्रजातियों की हंट पर या शिकार पर रोक लगा दी है। तो जब भी हम ये कहना चाहें कि जैसे डायनासोर थे तो वो क्या हो गए हैं, एक्सटिंक्ट हो गए हैं। एक्सटिंक्ट हो गए हैं मतलब विलुप्त हो गए हैं, वो जो बचे ही नहीं, तो जो पूरी तरीके से खत्म हो जाए, जिसका नाम और निशान बचे ही ना, जिसका वंश बचे ही ना, उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सटिंक्ट होना। तो जब भी आप कहना चाहो कि भाई ये बहुत ही रेयर स्पीसीज है, रेयर प्रजाति है, क्योंकि ये लगभग अब क्या है, दे आर ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन, और ये एक्सटिंक्ट होने वाले हैं, विलुप्त होने वाले हैं। जैसे अभी देखा होगा आपने, हमारे प्रधानमंत्री जी ने या कहें गवर्नमेंट ने चीते मंगवाए वहां से साउथ अफ्रीका से मंगवाए थे, फिर यहाँ मध्य प्रदेश में छुड़वाए थे उन्हें। तो किस लिए? क्योंकि उनकी प्रजाति जो है वो एक्सटिंक्ट होती जा रही है, खत्म होती जा रही है, इसीलिए उन्होंने बाहर से हम लोगों ने क्या कर रहे हैं, मंगवा रहे हैं, ताकि यहाँ पर वो बढ़ सके और उनकी प्रजाति आगे बढ़ सके। तो जब भी अब हम ये कहना चाहें कि वो ये प्रजाति या ये चीज क्या हो चुकी है, विलुप्त हो चुकी है, अब इस दुनिया में नहीं है, तो हम उसके लिए एक्सटिंक्ट वर्ड का यूज करेंगे। क्लियर हो रही बात सभी को? उसके बाद है अपैथी, APATHY, इसका मतलब होता है उदासीनता। मतलब जब किसी चीज में हमारा मन नहीं लगता, जैसे अभी मैं अंदर था तो कुछ तुम लोगों का मन पढ़ाई में नहीं लग रहा था, तो जब किसी से हमें ना ऊब जाए कि नहीं यार अब ये रोज के रोज यही करेंगे क्या, तो उसको हम क्या बोलते हैं, अपैथी। ही हैज अपैथी टू स्टडी, पढ़ने में उसकी क्या है, उदासीनता है, मन नहीं लगता। जैसे हमें कोई चीज पसंद नहीं होती है, जैसे कोई सब्जी पसंद नहीं होती है, कोई खाना पसंद नहीं होता है, कोई जगह पसंद नहीं होती है, कोई काम करना पसंद नहीं होता है, तो हम उसके लिए क्या बोलेंगे, आई हैव अपैथी टू, और फिर जो भी काम है उसके लिए। ही हैज अपैथी टू स्टडी, ही हैज अपैथी टू म्यूजिक, ही हैज अपैथी, जिस चीज के लिए भी हमारे अंदर उदासीनता है, उदासीनता मतलब हमारे अंदर ललक नहीं है, हमारे अंदर इंटरेस्ट नहीं है उस चीज के लिए, तो उसकी चीज के लिए हम क्या है, अपैथी है। तो अब जब भी आप ये कहना चाहो कि उसे इस चीज में इंटरेस्ट नहीं है, उसे ये चीज पसंद नहीं है, या मुझे इस चीज में इंटरेस्ट नहीं है, मुझे इस चीज से लगाव नहीं है, तो क्या बोलोगे, आई हैव अपैथी टू, और फिर जिस चीज में आपको रुचि नहीं है, जिस चीज के प्रति उदासीनता है, उसके लिए हम इस वर्ड का यूज करेंगे। समझ में आ रही बात? जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ और कोई इधर देख रहा हूँ उधर देख रहा हूँ, इट मीन्स ही हैज अपैथी टू स्टडी, उसे पढ़ाई में कोई दिलचस्पी नहीं है। तो जब हमें किसी चीज में दिलचस्पी ना हो, इंटरेस्ट ना हो, तो उसके लिए हम इस वर्ड का यूज करते हैं अपैथी। नेक्स्ट है वर्डिक्ट, VERDICT, निर्णय या फैसला। ये अक्सर कोर्ट के फैसले के लिए यूज किया जाता है। सपोज करो कोई कोर्ट केस चल रहा है, कई दिनों से चल रहा है, और आप क्या बोलोगे, वर्डिक्ट आने वाला है। वर्डिक्ट आने वाला है मतलब फैसला आने वाला है। जैसे अभी राम मंदिर का वर्डिक्ट आया था, कितने सालों से कोर्ट में चल रहा था वो केस के राम मंदिर बनेगा नहीं बनेगा, बनेगा नहीं बनेगा, और फिर वर्डिक्ट आ गया कि राम मंदिर बनेगा, और अब बनने लगा है, आधे से ज्यादा बन भी गया है। तो जब भी हम बोले कि कोर्ट का फैसला आने वाला है, तो हम क्या बोलेंगे, कोर्ट का वर्डिक्ट आने वाला है या वर्डिक्ट आ गया है। तो खासकर हम निर्णय, जो ये जो वर्डिक्ट वर्ड है, वो हम क्या के लिए यूज करते हैं, कोर्ट के फैसले के लिए यूज करते हैं। जो फैसला कोर्ट में जो केस वगैरह चल रहे होते हैं, उनका निर्णय जब आता है, कोर्ट जब फैसला देता है, तो हम कहते हैं कोर्ट ने क्या दिया है, वर्डिक्ट दिया है या फैसला दिया है। याद रखना ये जो वर्ड्स है ना, ये हम डेली यूज में तो यूज करेंगे, बल्कि ये हमें कॉम्पिटेटिव यूज में, अभी आप NDA दो, आप बैंकिंग दो, SSC दो, रेलवे का कोई टेस्ट दो, या कोई टीचिंग वगैरह का कोई टेस्ट है, तो ये वर्ड ये हर जगह यूज होते हैं। आप ये देख लेना कि जो वर्ड मैं कराऊंगा, साल भर के बाद जितने वर्ड होंगे, उनमें से किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में एक भी वर्ड बाहर नहीं जाने वाला, इन्हीं वर्ड के आधार पर एग्जाम बनते हैं। तो मैं जो भी वर्ड कराऊंगा, ना केवल वो डेली यूज के लिए है, बल्कि काय के लिए है, कॉम्पिटेटिव यूज के लिए भी है। तो आपको इनको बहुत अच्छे से फोकस करना है। तो समझ में आ गया, वर्डिक्ट का यूज हम लोग कहाँ करेंगे, वर्डिक्ट का हम लोग यूज करते हैं कोर्ट के फैसले के लिए, ठीक है, निर्णय के लिए। नेक्स्ट है अवर्शन, ये भी इससे मिलता जुलता है, ठीक है, किससे, अपैथी से, AVERSION, इसका प्रोनंसिएशन क्या है, अवर्शन, नापसंद की, नापसंद करना, या किसी चीज से नफरत होना, घृणा होना। जैसे कई लोग क्या होता है, मान लो सपोज करो आप बचपन में तैरना शुरू किए और डूब गए एक हर बार, तो क्या हो जाएगा,
यू विल डेवलप एन अवर्शन टू वॉटर, आपके अंदर क्या हो जाएगा, पानी के लिए डर पैदा हो जाएगा। जैसे पानी देखोगे क्या होगा, वहां से दूर भागोगे। सपोज करो आपको कभी कोई कुत्ता काट ले, उसके बाद जब भी तुम्हें कुत्ता देखेगा तुम क्या होगे, अपनी गली बदल लोगे, अपनी रास्ता बदल लोगे। देयर विल बी अवर्शन टू डॉग्स, कुत्तों को लेकर तुम्हारे अंदर क्या हो जाएगा, एक नापसंदगी पैदा हो जाएगी, एक डर पैदा हो जाएगा। तो जब किसी चीज के प्रति हम एकदम घृणा सी होती है, नफरत सी होती है, हम उससे दूरी रहना चाहते हैं, दूरी बना के रहना चाहते हैं, तो हम उसके लिए क्या बोलते हैं, आई हैव अवर्शन टू वाटर, आई हैव अवर्शन टू हाइट। किसी को ऊंचाई से डर लगता है तो वो ऊंचाई को कहते हैं भैया मैं ऊंचाई पर नहीं जाऊंगा, ठीक है। किसी को कुत्तों से डर लगता है, कोई कुत्ता पाल के रखता है ना, और किसी को कुत्तों से डर लगता है। और आजकल तो कई लोग वैसे ही लिखा देते हैं, कुत्तों से सावधान, चाहे कुत्ता घर में हो चाहे ना हो, जब वैसे दूर से ही रहोगे। एनीवे, तो जब भी हम ये कहना चाहें कि मुझे ये चीज पसंद नहीं है, या मुझे इस कदर पसंद नहीं है कि मैं नफरत करता हूँ उससे, दूर रहता हूँ, तो हम उसके लिए क्या यूज करते हैं, अवर्शन का यूज करते हैं। समझ में आ रही बात, अवर्शन का यूज कहाँ होगा, ठीक है। नेक्स्ट है एक्वाइंट। एक्वाइंट का मतलब होता है परिचित कराना, परिचय कराना, आपने सुना होगा इंट्रोड्यूस कराना, सुना है, ये उसी से बना है एक्वाइंट, ठीक है। सपोज करो आप किसी शादी में गए, आपका एक दोस्त मिला, आपसे बातें करने लगे, उसके साथ एक सज्जन और खड़े हुए, अब तुम लोग काफी देर बात करने के बाद क्या बोलोगे, तुम क्या बोलोगे, यार ये कौन है, इनसे भी मेरा परिचय करवाओ, तो क्या बोलोगे, प्लीज एक्वाइंट हिम टू मी, इनको भी मुझसे परिचित करवाओ या मुझे इनसे परिचित करवाओ। तो जब भी हम परिचित कराने, या हम कोई कहने लगा लेट मी एक्वाइंट हिम टू यू, मुझे इनको परिचित कराने दीजिए, ये मेरे फलाने मित्र हैं, इस ऑफिस में काम करते हैं। तो जब भी हम किसी से कहें कि इनका परिचय मुझसे करवाओ, या मेरा परिचय इनसे करवाओ, या इनके बारे में भी कुछ बताओ, या अपने बारे में कुछ बताओ, तो हम क्या बोलेंगे, एक्वाइंट हिम, या एक्वाइंट हिम टू मी, या एक्वाइंट मी टू हिम, ठीक है, या एक्वाइंट योरसेल्फ, हम ये भी कह सकते हैं, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ कहते हैं, अपने बारे में कुछ बताओ, तो ऐसे हम कह सकते हैं एक्वाइंट योरसेल्फ, अपने बारे में कुछ बताइए, अपने आप को परिचित करवाइए। तो आप देखो इंट्रोड्यूस तो नॉर्मल वर्ड है, ज्यादातर हम यूज करते हैं, सभी जानते हैं, लेकिन अब से आपको क्या यूज करना है, एक्वाइंट यूज करना है। इसी का एक वर्ड और होता है, मैं आगे बताऊंगा, एक्वाइंटेंस, उसका मतलब होता है परिचित। जैसे कहते हैं ना, मैं मुख्यमंत्री जी को जानता हूँ, मुख्यमंत्री जी मेरे परिचित हैं, तो क्या बोलोगे, चीफ मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर ऑफ एमपी इज माय एक्वाइंटेंस, वो मेरे परिचित हैं, ठीक है। या सपोज करो आपको यूनिवर्सिटी में कोई काम है और आपका कोई दोस्त है, तो आप उसे क्या पूछोगे, डू यू हैव एनी एक्वाइंटेंस इन यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी में कोई आपका परिचित है, अगर है तो बताओ यार, थोड़ी सी जुगाड़ लगवानी, थोड़ा सा काम करवाना था, तो इसी एक्वाइंट से ही बना है एक्वाइंटेंस, ठीक है। उसके बाद है बेटा फोरसाइट, इसका मतलब होता है दूर दृष्टि। अब ये क्या है, दूर दृष्टि का मतलब होता है, दूर दृष्टि का मतलब ये वाली नजर नहीं कि इधर से मुझे उधर तक दिख रहा है, या नहीं तो सबकी दूर दृष्टि होती है, सबको आसमान दिखता है, और आसमान यहाँ तो है नहीं, सबको सूरज दिखता है, सबको तारे दिखते हैं, और यहाँ दूरी है लाखों करोड़ों किलोमीटर, तो ये वाला फोरसाइट नहीं। फोरसाइट मतलब जो भविष्य के बारे में अनुमान लगा लेता है एग्जैक्ट, कि भैया ऐसा होने वाला है। जैसे हम कह सकते हैं नेताजी हैड अ ग्रेट फोरसाइट, नेताजी मतलब सुभाष चंद्र बोस, कि उनकी बहुत बड़ी दूर दृष्टि थी, उनकी समझ को भविष्य को बहुत अच्छे से क्या कर लेते थे, एंटीसिपेट कर लेते थे। कल एक वर्ड करवाया था मैंने, एंटीसिपेट, अनुमान लगाना, तो वो भविष्य का बहुत बढ़िया अनुमान लगा लेते थे, उनका अनुमान एकदम सटीक बैठता था, खासकर वॉर जोन में जब युद्ध वगैरह चल रहा हो। तो फोरसाइट का मतलब होता है दूर दृष्टि, दूर दृष्टि मतलब कि हम किसी भी फ्यूचर इंसिडेंट को लेकर बहुत अच्छे से एंटीसिपेट कर सकते हैं कि ऐसा होगा ही। तो जब भी हम कहना चाहें कि भैया वो जो कह देगा बिल्कुल सही निकलेगा, उसकी दूर दृष्टि बहुत बढ़िया है, तो क्या बोलोगे, ही हैज अ ग्रेट फोरसाइट। या कोई तुमसे पूछे कि डू यू हैव एनी क्वालिटी इन योर इन यू, तो क्या बोलोगे, आई हैव ग्रेट फोरसाइट, मेरी फोरसाइट बहुत बढ़िया है। इसकी स्पेलिंग क्या है, एफ ओ आर ई एस आई जी एस टी, फोरसाइट का मतलब दूर दृष्टि, दूर दृष्टि का मतलब ऐसी वाली दूर की दृष्टि नहीं, भविष्य के बारे में एक सही अनुमान लगाने की क्षमता को हम क्या कहते हैं, फोरसाइट कहते हैं। समझ में आ रही बात। नेक्स्ट है डेमोलिश, नष्ट कर देना है, गिरा देना, जैसे मकान को गिरा देते ना, पटक देते हैं, पुराना मकान होगा गिरा दिया, तो किस कहते हैं, यार मैंने ना मेरा जो I have an old house and I am going to demolish it, मैं उसे क्या करने जा रहा हूँ, गिराने जा रहा हूँ, फिर मैं नया बनवाऊंगा। या अभी आप देख रहे हो जो लोग अपराध कर रहे हैं, जो क्रिमिनल्स हैं, जो कोई क्राइम कर देते हैं, तो गवर्नमेंट क्या करती है, सीधा उनका घर क्या कर देती है, डेमोलिश करवा देती है, कहते बुलडोजर, बाबा बुलडोजर, बुलडोजर चलवा दिया, तो बुलडोजर चलवा दिया मतलब क्या कर दिया,
डेमोलिश कर दिया, खत्म कर दिया, बिल्कुल उड़ा दिया। तो गिरा देने को या खत्म कर देने को हम लोग क्या कहते हैं? डेमोलिश, DEMOLISH। डेमोलिश मतलब गिरा देना, नष्ट कर देना, खत्म कर देना। नेक्स्ट है बोरिस, गवार। जब तुम किसी से कहना चाहो, जब किसी की भाषा तुम्हें अच्छी नहीं लगे, बोली अच्छी नहीं लगे, उसका सेंस क्या कहते हैं, उसका ह्यूमर सेंस अच्छा ना हो, या आपको लगे कि अनपढ़ है, कि कुछ जानता नहीं है, वो कुछ ऐसा जंगल से आया है, तो आप उसको क्या बोलोगे? बोरिस। ये बोरिस एक सही शब्द नहीं है। हम किसी के लिए भी ऐसा शब्द यूज करेंगे तो क्या है, उसका अपमान ही आप कर रहे हो, क्योंकि हर कल्चर का अलग अलग रीति रिवाज होते हैं। हो सकता है एक कल्चर में जो चीज अच्छी मानी जाती हो, दूसरे कल्चर में वही बात बुरी मानी जाती हो। जैसे हमारे कल्चर में माँ बाप का हम नाम नहीं लेते, ठीक है, यूरोपियन कल्चर या हम कहें अमेरिकन में या इंग्लिश, वहां पर वो लोग नाम ले भी लेते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो अपना अपना कल्चर है। तो जब हम किसी को ये कहना चाहें कि वो गमार है, अरे उससे बात मत करो यार, ही इज बोरिस, वो तो क्या है, गमार है, BOORIS। तो हम जब कहना चाहिए, गमार तो समझते हो गे ना अच्छे से, जिसको ज्ञान ना हो, जो अनपढ़ हो, जिसको तहजीब ना हो, तरीका ना हो, तो उसको हम कह देते हैं गमार, बोरिस। नेक्स्ट है फ्रेलिटी, FRAILTY, ठीक है, ये होती है कमजोरी, जैसे वीकनेस होता है ना, वीकनेस की जगह हम इसे यूज कर सकते हैं। डू यू हैव एनी फ्रेलिटी? आप कहोगे यस आई हैव अ फ्रेलिटी, आई हैव अवर्शन टू वाटर, यार पानी से बड़ा डर लगता है, ये मेरी कमजोरी है, या आई हैव अवर्शन टू स्पीकिंग इंग्लिश, अंग्रेजी बोलने से बड़ा डर लगता है, आई हैव अवर्शन टू स्टेज, ठीक है, मेरी कमजोरी क्या है? डू यू हैव एनी फ्रेलिटी? यस आई हैव अ फ्रेलिटी एंड दैट इज, वो कौन सी है? वो है I have aversion to stage. Stage का डर है। एक वर्ड और भी होता है इसके लिए, फोबिया, एक ऐसा डर जो बहुत ज्यादा हावी होता है, तो कहते हैं स्टेज फोबिया है। तो जब भी हम कहना चाहें कि मेरी कमी है, तो हाँ यार मुझे स्टेज फोबिया है, यही मेरी फ्रेलिटी है, और कोई कमी नहीं है, बाकी तो सब बढ़िया है। र्यूमर, ये तो आपने सुना ही होगा, RUMOR, र्यूमर का मतलब होता है अफवाह। कोई भी किसी ने बोला कि क्यों भाई हमारा सिलेक्शन हो गया है वहां पर, नहीं यार ये अफवाह है, अभी कहाँ, अभी तो हम तैयारी कर रहे हैं, दिस इज जस्ट अ र्यूमर, ये तो एक र्यूमर है, या कुछ और तुम्हारे बारे में कोई खबर उड़ा दी तो क्या कहोगे? ये र्यूमर है भैया, मेरे बारे में लोग र्यूमर उड़ा रहे हैं और कुछ नहीं है, ठीक है, र्यूमर मत, र्यूमर पर ध्यान ना दें, ठीक है, र्यूमर पर ध्यान ना दें, खुद पता करें। और कभी जैसे किसी ने कोई प्रोडक्ट खरीदा, कोई वॉशिंग मशीन खरीदी और कह दिया कि यार ये तो इस कंपनी की तो हर चीज खराब ही निकलती है, तो वो कंपनी वाले क्या निकालेंगे, क्या बोलेंगे एंड के जरिए, कहते देखो भैया बहुत सारे र्यूमर्स मार्केट में हैं हम लोगों को लेकर, बट वो सही नहीं है, आप खुद जानें और परखें। तो बात समझ में आई सभी को, 10 के 10 वर्ड समझ में आए, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, इमेजिन करना है, डायनासोर से जो देना एक्सटिंक्ट हो, डायनासोर क्या हो चुके हैं, एक्सटिंक्ट हो गए हैं, विलुप्त हो गए हैं, ठीक है। अपैथी को जोड़ देना पढ़ाई से, आप सबके अंदर अपैथी है पढ़ाई को लेकर, जबरदस्ती मजबूरी में झेल रहे हो, खेल रहे हो, गमन से पढ़ रहे हो, ठीक है, तो सोच लेगा, या फिर तुम्हारे अंदर और किसी चीज को लेके अपैथी है, ठीक है। फिर वर्डिक्ट, कोर्ट के फैसले को, राम मंदिर के फैसले को जोड़कर देखना, कोर्ट ने राम मंदिर का वर्डिक्ट दे दिया है और अब राम मंदिर बनाया जा रहा है, तो ये वर्डिक्ट तुम्हें हमेशा याद रहेगा। जैसे तुम कोर्ट रूम को याद करोगे, तुम्हें तुरंत क्या आ जाएगा, वर्डिक्ट याद आ जाएगा। अवर्शन, अगर आपको लगता है कि कोई चीज से आपको डर लगता है या घृणा है, नफरत है, किसी चीज का आपको आप नहीं करना चाहते हो, तो आपको समझ लो कोई कुत्ता आपका पीछा कर रहा है, इमेजिन करो, और उसके उस दिन के बाद से तुमको क्या हो गया, अवर्जन हो गया, किससे हो गया, कुत्तों से अवर्जन हो गया, तो जब भी कुत्ता देखोगे तुम्हें ये अवर्जन याद आ जाएगा, समझ में आ रही बात। एक्वाइंट, ठीक है, परिचित कराना, कभी तुम किसी से किसी को, तुमने किसी को किसी से परिचित कराया, या सोचो कि तुम अपने दोस्त को किससे परिचित करा रहे हो, अपने पेरेंट्स से परिचित करा रहे हो, तो इमेजिन करो कि यू आर एक्वाइंटिंग योर फ्रेंड विद योर पेरेंट्स, आप अपने पेरेंट्स को के साथ उनको इंट्रोड्यूस करा रहे हो, एक्वाइंट करा रहे हो, इमेजिन करना। फिर इमेजिन करना फोरसाइट, कि तुम बहुत, तुम्हारी फोरसाइट बहुत बढ़िया है, तुम पहले ही अनुमान लगा लेते हो कि तुम तो बन गए कलेक्टर, तुम तो बन गए एक IAS ऑफिसर, तुमने पहले ही अनुमान लगा लिया और ये अनुमान सही निकलेगा, और ये अनुमान सही क्यों निकलेगा, क्योंकि तुम्हारी फोरसाइट बहुत ही बढ़िया है, ठीक है। फिर डेमोलिश, देख किसी घर को, पुराने घर को गिरते हुए इमेजिन करो, उसको तोड़ा जा रहा है, उसकी जगह नया बनाया जाएगा, क्योंकि इसको डेमोलिश करा जा रहा है। अभी तुमने देखा होगा, तुमने बहुत पहले न्यूज सुनी होगी, नोएडा में तो बड़े बड़े टावर, बहुत ऊंची ऊंची बिल्डिंगें थी, जिनको क्या किया गया था, डिमोलिश करा गया था, क्योंकि कोर्ट ने ऑर्डर दिया था कि उन लोगों ने जिस जमीन पे वो टावर बनाए हैं वो गैर कानूनी है, तो कोर्ट ने कई साल का केस चला और उसके बाद कोर्ट ने उसका फैसला दिया, तो बड़े बड़े बिल्डिंग को करते देखो और मन में क्या सोचो, डिमोलिश, तो तुम्हें डिमोलिश हमेशा याद रहेगा। बोरिस, किसी ऐसे आदमी को जो तुम्हें लगता है कि बिल्कुल जिसको भी तौर तरीका तमीज नहीं है, ठीक है,
तो उसको क्या वो उसका चेहरा इमेजिन करो, अगर तुम्हारी जिंदगी में कोई ऐसा हो और खुद को अगर तुम वो समझते हो तो फिर क्या कहने, ठीक है? तो इमेजिन करो और समझ जाओ। नेक्स्ट है प्रायोरिटी, पता लगाओ तुम्हारे अंदर कोई कमजोरी, अपनी कमजोरी को याद करो और बोलो कि ये तुम्हारी क्या है, प्रायोरिटी है, उस कमजोरी को इमेजिन करो। और लास्ट में र्यूमर, तुम्हारे बारे में कोई र्यूमर फैलाया है क्या किसी ने, अगर फैलाया है तो उसको याद करो कि कौन सा र्यूमर था, या फिर खासकर सेलिब्रिटीज के बारे में बहुत र्यूमर्स आते हैं, ठीक है, कि जो